भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। करते हैं अपने आज के साथ सेशन को स्टार्ट एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोबारा 10 मिनट के वीडियो में ठीक है एक नया टॉपिक लेके आए। आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी है और आपको फायदा नहीं होता, बहुत फायदा होता है डेली अगर आप देखते हो ना 10 मिनट भी तो बहुत फायदा होता है, क्योंकि मैं जो टॉपिक लेके आता हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन खत्म करा दिए सारे के सारे, अब हम टाइगर रिजर्व्स पढ़ेंगे। हमारे देश में टाइगर्स आर वेरी वेरी बहुमूल्य और टाइगर्स रिजर्व्स पढ़ना बहुत जरूरी है कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सी स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप सभी के सभी इस क्लास को शेयर कर दो और साथ के साथ जब सीख लो तो टेस्ट देने 9:30 बजे आ जाना, ठीक है। टेस्ट देना तो एक ही जगह है, लाइव टेस्ट 9:30 बजे अमन सर के साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री क्लासेस 9 बजे खुद आपकी एज इट इज़ आपको इस प्रोफाइल को सर्च कर रहा है अमनदीप शर्मा अन अकेडमी पे, आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगे अमनदीप शर्मा के नाम से, ठीक है। बाकी पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है अन अकेडमी पे। मेरी तरफ से रेलवे SSC डिफेंस के कोर्सेज है, लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करें। कैसे ज्वाइन करना है देखो, आप जब भी अन अकेडमी जुड़ते हैं ना सबसे पहले तो ना एक चीज़ को ध्यान से कर लिया करो, मैनेज गोल को। कभी कभी बच्चे मैनेज गोल को गलत कर लेते हैं और फिर हो जाता है ठीक है घोर अपराध, क्योंकि यार SSC की तैयारी कर रहे थे और रेलवे में गोल सेलेक्ट करके बैठ गए, गलती हो जाएगी फिर, ठीक है। दिमाग रखिए, मेन टैब पे क्लिक करके जब आप मैनेज गोल करो ना, मेन टैब पे क्लिक करने के बाद उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करो, ठीक है। फिर मंथ सिलेक्ट करिए, मोस्ट पॉपुलर 12 मंथ है क्योंकि यार इसका कॉस्ट भी ऑल एन एवरेज सही है और आपको टाइम भी मिल जाएगा। लाइव अमन रेफर कोड यूज करें, मंथ सिलेक्ट करिएगा साढ़े, देखो आप मंथ 12 महीने का करते हो, टाइमिंग आपकी 6:30 बजे रहती है। मैं जब भी क्लासेस लेता हूँ एग्जैक्टली 6:30 बजे लेता हूँ, दिस इज मेरा फिक्स टाइमिंग। मैं इस समय ही पेड कोर्सेज की क्लासेस लेता हूँ 6:30 बजे। तो आपको जब भी आप किसी भी कोर्स की तैयारी करोगे तो कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा GK और करंट अफेयर का एक साथ, और साथ में साइंस अगर आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हम करते हैं टाइगर रिजर्व, शेयर करिएगा सेशन को, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का, ठीक है। टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं। देखो हमारे देश में स्टेट वाइज तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा टाइगर रिजर्व, लेकिन पहले ना हम ये देख लेते हैं कौन सा लार्जेस्ट बिगेस्ट है। हमारे देश का पूरे भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है, बिगेस्ट टाइगर रिजर्व है, वो क्या है, नागार्जुन सागर, ठीक है। दिमाग रखें, नेम ऑफ द टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन सागर है, ठीक है। श्रीसलम, ठीक है, याद रखिएगा श्रीसलम, याद रखिएगा ज्यादा फेमस, श्रीसलम वर्ड ज्यादा यूज करा जाता है। तो लार्जेस्ट बिगेस्ट रिजर्व टाइगर जो है श्रीसलम है, और इसकी लोकेशन क्या है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसकी लोकेशन है स्टेट की, और डिस्ट्रिक्ट चलो छोड़ सकते हो आप, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि टाइगर रिजर्व श्रीसलम है और कौन सी दो स्टेट में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, ठीक है, दिमाग रखिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लार्जेस्ट बिगेस्ट टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि सबसे बड़ा देश में बाघ का आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो भैया ये श्रीसलम है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। चलो डिस्ट्रिक्ट याद करना ना, देखो यार, क्योंकि ना ये डिस्ट्रिक्ट में जैसे नालगोंडा जो है ये कभी कभी पूछ लेते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो नालगोंडा यार याद रख लो, नाम कभी कभी आ सकता है, ठीक है, नाम कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व आपसे अगर देश का पूछा जाए तो यार ये है बोर, बोर टाइगर रिजर्व, क्वेश्चन बहुत बार आते हैं इसके ऊपर। तो बोर टाइगर रिजर्व जो है, ठीक है, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है हमारे भारत का सबसे छोटा बाघ का, ठीक है, जो आरक्षित क्षेत्र है वो क्या है, बोर टाइगर रिजर्व है। स्टेट देखो महाराष्ट्र है और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, वर्धा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आते यही क्वेश्चन है। तो स्मॉलेस्ट पूछा जाए तब बोर है, और अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा जाए तो श्रीसलम है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला टाइगर रिजर्व, भारत का सबसे पहला बाघ का आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, सबसे पहला कौन सा, तो भैया जिम कॉर्बेट आप सभी जानते हैं, जिम कॉर्बेट, ठीक है, एस्टेब्लिश 1936 में हुआ था, कहाँ पे, उत्तराखंड में, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल है। तीनों के तीनों सवाल एकदम महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन तीनों में से किसी में भी आ सकता है यार, देखो छोड़ने का नहीं है, कोई सा भी 10 मिनट की वीडियो है लेकिन यार काम की बहुत वीडियो है, अगर आप रोज देखो तो बहुत काम की वीडियो, क्योंकि क्वेश्चन ही यही आते हैं जो मैं आपको 10 मिनट में पढ़ाता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो। पेपर भी तो बहुत छोटा ही होता, आधे घंटे का पेपर नहीं होता। चलो एक और देखो, इसके बाद आपको ये चीज़ समझ लेना, टाइगर रिजर्व अब ना स्टेट वाइज देख लेते हैं, जो यार सबसे पहले तो यही आएगा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा और पहला, उसके बाद ना कभी कभी स्टेट वाइज भी पूछ लिया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था सबसे बड़ा और आंध्र प्रदेश में है कौन सा, श्रीसलम, ठीक है, तो पहला तो आंध्र प्रदेश के याद रखो, फिर मैं आज और कल की वीडियो में सारी स्टेट बता दूंगा, ठीक है, दिमाग रखिएगा, सारी स्टेट बता दूंगा। उसके बाद देखो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व है, अरुणाचल प्रदेश में कौन से टाइगर रिजर्व है,
सारे याद नहीं करने भाई, ये पाके टाइगर रिजर्व है ना, ये जरूर याद कर लेना, बहुत आता है ठीक है, दिमाग रहेगा। और ये ठीक है नाम है धप, ये और ये ठीक है दिमाग रहेगा, नाम पद और ये जो पाके टाइगर रिजर्व है ये तो फेमस है ना, मतलब करंट अफेयर में आ चुका है ठीक है, और ये इस बार के 2020 करंट अफेयर में भी तो ये आ सकता है। टाइगर रिजर्व कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ये टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश में है, तो आप ये सब चीज़ें याद रखिएगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पेपर में पूछी जाती है ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पेपर में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है ठीक है, दिमाग रहे इंपॉर्टेंट, पूछी जा सकती है ठीक, क्लियर। चलिए अगर आपको ये याद हो गया तो असम के देखते हैं, सारे याद करने नहीं है लेकिन यार ये मन्नास फेमस है असम का, टाइगर रिजर्व भी है ठीक है, औरंग टाइगर रिजर्व भी याद कर लो, काजीरंगा पता ही है आपको असम में ठीक है, नामेरी, तो यार मन्नास और रंग ये याद रखिएगा, काजीरंगा पता है आपको ठीक है, दिमाग रखिए मन्नास तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है तो असम में है मन्नास ठीक है, दिमाग रखिए कहाँ पे, असम में है मन्नास टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक ठीक है। चलिए बिहार ठीक है, वाल्मीकि आप कहीं पे ना याद करो यार, वाल्मीकि आपने कहीं पे लिखा हो सुना होगा कहानी के रूप में ठीक, पुराण और इन सब के रूप में आपने सुना होगा, बिहार याद रखो कि भैया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे, बिहार में है। क्वेश्चन देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं टाइगर रिजर्व पे, जो मैंने स्टार्टिंग के तीन पढ़ाए हैं वो आपको 100% याद होने चाहिए, स्टेट के भी आपको मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, बिहार का कौन सा तो वाल्मीकि है, तो हम आज और कल की क्लास में कवर कर डालेंगे ठीक। छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं ठीक, अब हमें ना छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व अगर याद करें, पहला तो इंद्रावती ठीक है, दिमाग रखिएगा, पहला तो इंद्रावती, फिर उदंतिती ठीक है, फिर गुरु हसीगल ठीक है, ये तीनों के तीनों याद रखिएगा, इंद्रावती ज़्यादा याद रखें, मैं हमेशा जो पहला बताता हूँ ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करें ठीक है, दिमाग रखिएगा उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो आज का याद करने वाला सिस्टम में क्या आएगा, याद करने वाला सिस्टम में आएगा कि भैया लार्जेस्ट अगर पूछा है तो सिरीसलम है ठीक है, सिरीसलम है, और स्टेट कौन सी है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना है ठीक है, स्टेट कौन सी है, आंध्र प्रदेश सिरीसलम ठीक है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश सिरीसलम है ठीक है। दूसरा आपसे बोलस पूछा है तो बोर है, और बोर कहाँ पे, महाराष्ट्र में है वारदा डिस्ट्रिक्ट में ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भी कभी कभी पूछे जाते हैं तो वारदा डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा इसका ठीक है। पहला पूछा जाए तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है एक तरीके से, जिसमें टाइगर रिजर्व है तो वो भी याद रखिएगा। उत्तराखंड है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, नैनीताल, उत्तराखंड है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, नैनीताल है ठीक है। उसके बाद अगर आप स्टेट वाइज पूछा जाता है तो आंध्र प्रदेश का हो चुका है, अरुणाचल प्रदेश का याद रखिएगा, पहला ये नामधाप और ये पाके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार का करंट अफेयर है तो ये क्वेश्चन में आ सकता है ठीक है, किसी न किसी भी एग्जाम में आ सकता है। असम आप सभी जानते हैं, मन्नास और औरंग याद रखिएगा ठीक है, मन्नास और औरंग याद रखिएगा, बाकी काजीरंगा यू रिमेंबर। बिहार का बिल्कुल अलग ही है भाई वाल्मीकि, याद रखना पड़ेगा, बिहार का बिल्कुल अलग है वाल्मीकि, बिल्कुल ही अलग से इसे याद रखना पड़ेगा ठीक है। उसके बाद टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के पूछा जाए तो इंद्रावती याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ इंद्रावती, उसके अलावा अदंतिती और ये सब याद रखना चाहते हो रख लो ठीक है। चल तो ये हमारे आज के टाइगर रिजर्व थे जो हमने आज पढ़ लिए, और एक कल और वीडियो ले आऊंगा, सारी टाइगर रिजर्व कवर हो जाएंगे ठीक है। बाकी जब आप सीख लेते हो तो उसके बाद टेस्ट देना जरूरी होता है, तो टेस्ट देने के लिए आप 9:30 बजे जीके विद अमन सर यूट्यूब पे सर्च करो, लाइव टेस्ट आपको मिलेगा ठीक है, दिमाग रखिए। लाइव टेस्ट का एक बेनिफिट ये है कि इसमें 70+30 का कंसेप्ट चलता है, आप 70 मिनट अगर 70 क्वेश्चन अगर करते हो स्क्रीन पे तो 30 क्वेश्चन किस ओर होता है रैंकिंग के साथ, तो रैंकिंग का बेनिफिट ये होता है आपको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो ठीक है। बाकी आपको जब पानी में पता चल गया कि कितने पानी में हो तो आपको पता होना कि पानी में से निकलना भी पड़ेगा ठीक है, नहीं तो डूब जाओगे। तो यार आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो रेलवे SSC और डिफेंस एग्जाम के, मेरी तरफ से मैं आपको कोर्सेज जो कराता हूँ पेड कोर्सेज वो सब कुछ जो है लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करके होगा। क्या है रेफर कोड, लाइव अमन रेफर कोड है, 10% डिस्काउंट इससे हो जाएगा। ज्वाइन कैसे करना है ठीक है, पहला तो दिमाग पर रखो इसके कोर्सेज का ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिक मतलब कि आपको टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाई जाएगी, आई विल नॉट बीट अराउंड द बुश कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है क्या क्या नहीं, मैं खुद पढ़ाऊंगा जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है बस वही पढ़ाऊंगा जो आपको पेपर में मिलने वाली है ठीक है, ज़्यादातर पेपर में वो आपका मिलता है ठीक है। दिमाग रखिए कैसे ज्वाइन करना है, देखो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, मेन टैब ओपन करिएगा, गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करिए, मैनेज गोल कर लेना ठीक है, फिर मंथ सिलेक्ट करके फिर रेफर कोड यूज़ करो लाइव अमन ठीक है, लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करिए ठीक है। जितने भी एजुकेटर सब आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि एक एजुकेटर पढ़ा रहा है आपको, आप अनलिमिटेड एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना अनलिमिटेड मत पढ़िएगा,
सिलेक्टिव ही टीचर से पढ़ते रहें जिससे आप पसंद करते हैं, ठीक है। ऑल आर गुड बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम द सिलेक्टिव, जिसे आप पसंद करते हैं, जिससे आपको समझ आता है। 6:30 बजे मेरी क्लासेस होती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, रेफर कोड लाइव अमर, ठीक है। बाकी सेशन को एंड करते हैं, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। डेली 10 मिनट की वीडियो आती ही आती है, ठीक है, 10 मिनट की है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। टॉपिक जो पढ़ा दिया वो पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, ओके।